हेलो गाइस, माय नेम इज लखन एंड आई लव नेचर। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद में आपका एक कमेंट जरूर आने वाला है कि दोस्त, इस जगह की लोकेशन क्या है, आप कहां से इन वीडियो को डालते हो, क्योंकि आप इस वीडियो में आपको हजारों की संख्या में नीलगाय चारों तरफ नजर आएंगी, झुंडों के झुंड। सामने एक लैम, एक लंगड़ी जिसके चोट लगी हुई है, इस नीलगाय को फिल्माते फिल्माते अभी कैमरे को मैं साइड में लेके जाऊंगा, फिर आप देखोगे इतना जबरदस्त वीडियो है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए जो यहाँ की लोकेशन है, जो यहाँ का जंगल है, उसकी लिंक, उसका जो गूगल मैप का जो लिंक है, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको क्लिक करोगे तो आपको जाके ये एरिया आराम से गूगल पर नजर आ जाएगा। चारों तरफ जंगल दिखेंगे। इस समय खाली खेत होने की वजह से ये जंगलों से निकल कर ये नीलगाय सारे के सारे खेतों में आ जाते हैं और उस समय देखने लायक नज़ारे होते हैं जो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। दोस्तों, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इनको जो चारों तरफ ऐसे घूमते हुए देखता हूँ, तो मुझे तो मसाई मारा के जंगल याद आते हैं, वहाँ के विल्डर वेस्ट और हमारे यहाँ के नीलगाय लगभग देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन वहाँ जंगल है, वहाँ सब कुछ है, और हमारे यहाँ जब चारों तरफ खेत खाली होते हैं तो उन जंगलों से ये बाहर निकल कर आते हैं, तभी देखने को मिलता है। ना कोई सफारी गाड़ी है, ना कुछ है, बस आपको अपनी बाइक उठानी हो या पैदल जाना हो और चारों तरफ के ये नज़ारे देखने हो, तो आपको इस मौसम में जाके, खासकर फसल कटने के बाद में, जो रबी की फसल है वो कटने के बाद में जैसे ही खेत खाली होते हैं तो नए नए बच्चे और पुराने झुंड आपको नजर आने लग जाएंगे। अब एक बहुत भारी भरकम ये देखो आराम से खड़ा है, क्योंकि इतने ताकतवर जो नर होते हैं वो अक्सर अकेला रहना पसंद करते हैं। और गाइज, एक बात और, अब ये ऐसे मेरी तरफ देख रहा है कि जैसे मैं इसके लिए खतरा हूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये मेरे लिए खतरा है। हाँ, रियली दोस्तों, अगर ये आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पर, ये इंसान के ऊपर भी आक्रमण कर चुका है बहुत बार नीलगाय। अब साइड में कुछ और छोटे नर हैं, देखो मैंने कई बार कहा है कि ये जो इनके बकरी से मिलते जुलते कुछ लक्षण है इस जानवर के, तो आप देख सकते हो ये जो पौधा है ना सामने, जो पौधा है आंख का पेड़ बोलते हैं हमारे इसको, इसको सिर्फ बकरी ही खाती है, उसके बाद में ये खाता है, बहुत जहरीला माना जाता है इसको दोस्तों। अब कुछ एक और देखो, मोस्टली इस समय सबके पैरों में चोट लगी हुई है लगभग, उसका मुख्य कारण है या तो ये सरसों के फांसे इनके पैरों में चुभते होंगे, या फिर इस समय एक बीमारी भी होती है जो नीचे पैर के खुर में होती है दोस्तों,